हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियान किड्स वर्ल्ड। तो अभी का सीन ये है, हम लोग वापस गाय चराने आ चुके हैं और उसका ब्लॉग बना रहे हैं। अभी मैं यहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ और देखिए आसपास विंटर कॉलेज है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, और वहाँ हमारी गाय और खोपो की गाय है, वो उधर मम्मी में बाजू में खड़ी है, वीडियोस देख रहे हैं। तो गाइस अभी था दादी उधर की साइड जा रही है लकड़ी लेकर, उधर लकड़ी का और यहाँ पर अभी हम लोग चलते हुए यहाँ पर मम्मी अभी गिरते फिसलते फिसलते रहती और यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना बड़ा कितने सारा पानी है और यहाँ पर भी कितना सारा पानी है बह रहा है। वो देखिए उधर टंकी है जिसके ऊपर पेड़ गिर चुका है, और अभी हम सब जा रहे हैं। हम लोग थोड़ी सी यहाँ पर चलेंगे नहीं, थोड़ा सा हम लोग पहाड़ की चढ़ाई करेंगे दोस्तों। तो चलिए पहाड़ की चढ़ाई की जाए हमारे। तो गाइस ये जो आप देख सकते हो ये इंटर कॉलेज है जिसका मैंने वीडियो भी बनाया, और ये नीचे और वहाँ पापा भी पढ़ते थे मेरे बचपन में, और यहाँ पर ग्राउंड है जो कि पहले बहुत छोटा था जब मेरे पापा पढ़ाई करते थे वहाँ पर, तो अब ये रिपेयरिंग कर कर थोड़ा बड़ा बना दिया है जैसे आप सब लोग देख रहे हैं। अरे भाई 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 नीचे की साइड रास्ता जा रहा है दोस्तों जो कि ग्राउंड में जाता है। इधर एक टेढ़ा सा पेड़ भी है दोस्तों, टेढ़ा है मतलब ओ कितना सा। और फूल उग रहे हैं कुछ, और मैं थोड़ा सेफ्टी के लिए डंडा ले आया पुलिस का डंडा, मैं हूँ गांव का पुलिस। कल मेरे दादा यहाँ पर आए थे मशरूम्स ढूंढने के लिए, पहाड़ी मशरूम्स, फिर हमने कल उसके उन पहाड़ी मशरूम्स ये जहरीले मशरूम्स हैं खूब सारे, पता नहीं उग जाते हैं बारिश में, खुद से उगते हैं, इनके कोई बीज वगैरह नहीं होते, खुद उगते हैं ये सारे। ये देखिए ये छोटे हैं, ये देखिए कितने बड़े बड़े हैं ये सारे, इतने सारे मशरूम काफ़ी जहरीले हैं। वाले मखियाले मशरूम हमने नहीं खाते, येल्लो येल्लो मशरूम्स हैं, वैसे तो वाइट होते हैं मशरूम्स, लेकिन यहाँ के स्पेशल पहाड़ी मशरूम्स ना होते हैं येल्लो कलर के। बड़ी खतरनाक हवा चल रही है वैसे तो, और यहाँ पर गधेरा भी है, हरे हरे खेत है नीचे की तरफ, थोड़े बहुत जमीन पर पत्थर पड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पर अच्छा सा व्यू है, बहुत ही ज़्यादा हरियाली छाई हुई है, थोड़ी बहुत घास है, और यहाँ पर कितने सारे पेड़ कटे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कितने छोटे छोटे पतले पतले छोटे के पेड़ हैं, और उधर के साइड पूरा तो दोस्तों ये रास्ता पहाड़ी के टॉप तक जाता है, हम टॉप तक घूम कर आ गए, टॉप तक नहीं गए आधे रास्ते गए, अब हम घर गायों के पास चलते हैं। हम लोग गायों के पास चल रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको घुमा रहा था, थोड़ा सी पहाड़ की हाइकिंग वाला वीडियो था, थोड़ा सा जरा सी हाइकिंग, लेकिन ये जरा सी नहीं है, वो देखिए घर कितनी दूर है, वो ब्लू वाला उसी के नीचे और वहाँ दूर में मेरी मम्मी गाय ले जा रही है। मम्मी मम्मी तो दोस्तों यहाँ दूर में मेरी मम्मी है, हमारा वेट कर रही है, लगता है खड़ी हो गई है, भूल गया रास्ता कौन सा था, लेकिन चल रहा थी भूल के रास्ता, लेकिन कुछ नहीं होता, मैं अकेला नहीं हूँ, आप लोग मेरे साथ कर डर लगे कोई जरूरत नहीं। हमने तो थोड़ी दूर हो पास
सामने चल गए हैं, हम पहुंच चुके हैं, बड़े ही दूर पहुंच गए। हमारा खेत वहां है, वो हमारा खेत है गाइस, उधर की साइड वो दो खेत है ना, मतलब वो खेत है, वो है हमारा खेत उधर वाला, वो सूखा है, उसके ऊपर वाला हरा है थोड़ा सा, और यहाँ जले जले खेत है, लेकिन ये खेत है। यहाँ पर देखिए लकड़ा पड़ा हुआ है, एक अच्छा काम का है, किसी दिन उठा ले जाएंगे इसको। पतले पतले हैं, टेढ़े टेढ़े हैं, अलग अलग हैं ये सारे पेड़ का। यहाँ पर देखिए छोटी का पेड़ उग रहा है, छोटा सा है। हाय हाय, उजाना जल्दी ताकि बड़े हो जाओ हमारे पेड़ की जैसे बनना। काफी धूप आ रही है। यही वाले मशरूम ढूंढ रहे थे, पक्के पक्के हैं, खाते हैं इन मशरूम्स को। ये जहरीले नहीं है, काफी अच्छे हैं, खाने वाले हैं, मस्त है। थोड़ा गंदे है इसीलिए छूटते नहीं, जंगल में रहते हैं ना, थोड़ा इसका मस्त है। काफी टेस्टी लगा था मेरे को, पहली बार ही खाया था मैंने ये मशरूम गाइस। यहाँ पर मेला भी होता है, मतलब एक दिन हुआ था, मैं 3 साल का बच्चा था, फुटबॉल देखी मैंने, छीन ली मैंने ऐसे, ऐसा होता है मेरे को, एक बच्चे से बड़ा बच्चा था, 5-6 साल का, 6-7 साल का। वहाँ देखिए स्कूल है सामने की तरफ, और यहाँ बड़ा सा ग्राउंड, बड़ा सा, तो एक घर के ऊपर दूसरा घर, कितना मस्त लग रहा है ना। तो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो को मैं यहां एंड करता हूं, जो कि थी मेरी ट्रैकिंग वीडियो। तो फिलहाल के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे एक लाल कलर का बटन है उसे प्रेस कर बेल आइकन पर दबा देना, ताकि आपको हमारी सारी आने वाली वीडियोस मिल टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को मैं यहां एंड करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।